Welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new video, that is question answer and workbook video of chapter number 11, transportation in plants and animals. So friends, let's get started. First hai question answer video ka first topic hai, choose the correct answer. Iska first question hai, in plants water is transported through. प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जाइलम के थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है, स्टोमेटा या फिर रूट एयर. तो इसका राइट आंसर है जाइलम. जाइलम के थ्रू वाटर जो है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स. जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू प्लांट का, वो कब इंक्रीज होता है, मतलब हम प्लांट को किस तरीके से रखते हैं कि उनका वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है. इन द शेड, जब हम उनको शेड में रखते हैं तब, या फिर डिम लाइट में, या फिर फैन के नीचे, या फिर कवर्ड विथ अ पॉलिथीन बैग. इसका राइट आंसर है अंडर द फैन. जब हम फैन के नीचे रखते हैं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है रूट्स के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है. इसका फर्स्ट है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश. जो ब्लड होता है वो हार्ट से ट्रांसपोर्ट होके, हार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जो हमारी बॉडीज में पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है? वो आर्टरीज के थ्रू पहुंचता है. आर्टरीज से ब्लड जो है पंप होता है, हार्ट से पंप होकर के बॉडीज में जाता है, बॉडीज के पार्ट में जाता है. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द इन सेल्स. हीमोग्लोबिन सेल्स में प्रेजेंट होता है, कौन से सेल्स में? तो उसका आंसर है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी. आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंट बाय ए नेटवर्क ऑफ डैश. आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, कनेक्ट होते हैं, उस नेटवर्क को कहते हैं कैपिलरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हर्ट इज कॉल्ड. जो एक रिदम बजता है हर्ट में धक 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 धक, वो एक्सपेंशन, वो रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो वो खुलता है, बंद होता है, धक धड़कता है जब दिल, तो वो धक धक करता है, जो वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हर्ट बीट. आगे बढ़ते हैं, द मेन एक्सिलेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज. जो मेन एक्सिलेटरी प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट निकलता है उसका जो मेन एक्सिलेटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया. स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, स्वेट जो है वो वाटर के साथ साथ और क्या कंटेन करता है? तो वो सॉल्ट कंटेन करता है. किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड. जो किडनीज होती है वो वेस्ट मटेरियल रिलीज जो करती है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, वो उसको क्या कहते हैं? यूरिन. वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाई ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन का सक्शन पुल एक होता है जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, सक्शन पुल का काम करता है, जो कि वाटर जो है वो ट्रीज की हाई, जो हाइट जिनकी लंबी होती है ट्रीज पे, वहां तक भी पहुंच जाता है. आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम. कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू. कॉलम नंबर वन में है स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर, फाइल, फ्लोएम, और इसमें है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो हमें राइट आंसर मिलाना है इसमें. तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर यहाँ पे है कॉलम वन एंड कॉलम टू. तो कॉलम वन में स्टोमेटा, स्टोमेटा का राइट आंसर है ट्रांसपीरेशन. स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट है जाइलम. जाइलम है जो, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. वो जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के हर एक पार्ट में. नेक्स्ट है रूट हेयर्स. रूट हेयर्स का क्या होता है? राइट आंसर क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब रूट हेयर्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. और लास्ट है फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड. क्या होगा अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स ना हो तो? If there are no platelets, then blood will not clot as platelets release blood clotting factor at the site of injury and stops further bleeding. अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होगा तो ब्लड में क्लॉट नहीं जमेगा. तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें कोई इंजरी होती है, हमें कहीं चोट लगता है और हमारा खून बह रहा है, तो वो खून हमारा बहता ही रह जाएगा, खून जमेगा नहीं. मतलब खून में थक्का जो जमाता है वो प्लेटलेट जमाता है, इसलिए प्लेटलेट्स का होना खून में जरूरी होता है. आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर स्टोमेटा. गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है और उनके दो फंक्शंस को हमें बताना है. आंसर,
tiny pores present on the leaf surface are known as stomata. जो leaf होती है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं छेद को क्या कहते हैं हम, stomata कहते हैं. इनका function क्या होता है, helps in exchange of gases. ये exchange, gas के exchange में help करते हैं, carbon dioxide और oxygen की release करने में, लेने में, देने में, आप आने जाने में, एक्सचेंज होने में गैस को ये हेल्प करते हैं. इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स अकर्स ड्यू टू स्टोमेटा. जो वाटर का इवेपोरेशन होता है लीव्स के थ्रू, लीव्स में, वो भी स्टोमेटा के ही थ्रू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन. क्या ट्रांसपिरेशन जो है वो कोई यूजफुल फंक्शन सर्व करता है प्लांट्स में, उसको हमें एक्सप्लेन करना है. आंसर है, ट्रांसपिरेशन सर्व द फॉलोइंग फंक्शंस इन द प्लांट्स. ट्रांसपिरेशन जो फंक्शन सर्व करता है वो ऐसे है, नीचे है, यहाँ पे फॉलोइंग में दिया हुआ है. पहला, इट हेल्प्स इन लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट. जो प्लांट का टेम्परेचर होता है उसको कम करने में हेल्प करता है, दस प्रिवेंटिंग हीट इंजरी ऑफ प्लांट्स. इसलिए प्लांट्स जो है उनमें हीट इंजरी, मतलब जो पौधे जल जाते हैं कभी कभी धूप से, देखा होगा अपने अपने घरों में या फिर छतों पर, तो वो उसमें ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है प्लांट्स की. हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन पुल विच हेल्प्स इन रनिंग वाटर इन हायर प्लांट्स. ये ट्रांसपिरेशन पुल का काम करता है जो, जिससे कि जो वाटर का संचारण होता है पौधों में, वाटर इन हायर प्लांट्स, ऊंचे ऊंचे प्लांट्स में वाटर का संचारण करने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन. इट ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाई एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स. ये वाटर लॉस में भी, इट ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स. जो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है वाटर, उसमें जो लॉस होता है वाटर का, वो भी उसमें भी हेल्प करता है ये, मतलब ट्रांसपिरेशन इन तीनों वजहों के लिए हेल्प करता है, सर्व करता है, यूजफुल फंक्शन सर्व करता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ. वॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ब्लड किन से मिलकर के बना होता है. तो आंसर है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. इन सब के से मिलकर के क्या बनता है ब्लड, यानी कि ये सारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाई ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड क्यों जरूरी होता है, उनको नीड क्यों होती है ब्लड की, सारे पार्ट्स को. आंसर, ब्लड इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी. ब्लड जो है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, मतलब बहुत जरूरी पार्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हमारे बॉडी में. एंड वी नीड ब्लड फॉर द फॉलोइंग रीजन. और हमें क्यों चाहिए होता है ब्लड, ये रीजन, हमें इन रीजनों के वजह से ब्लड चाहिए होता है. पहला है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स आवर बॉडी. ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी सारी बॉडीज में. ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारी सारी बॉडी के पार्ट्स में पहुंच पाता है. टू एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी. हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में भी ब्लड ही हेल्प करता है. टू ट्रांसमिट हीट, दस हेल्पिंग इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट है, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइट आउट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस. ब्लड के थ्रू हम फाइट कर सकते हैं कोई इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो गया या कोई डिजीज बीमारी हो गई तो. इसलिए ब्लड हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के सारे पार्ट्स के लिए जरूरी होता है. व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड. किस वजह से ब्लड जो है वो रेड होता है, किस वजह से उसका कलर रेड होता है. आंसर, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन होता है अ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड मेक्स इट लुक रेड. एक रेड कलर का पिगमेंट होता है ये, जिसके थ्रू, जिसके वजह से ही ब्लड जो है वो लाल दिखता है, और उसका नाम है हीमोग्लोबिन. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हर्ट. हमें हर्ट का फंक्शन डिस्क्राइब करना है कि हर्ट कैसे काम करता है. आंसर, द हर्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. हर्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूअसली लगातार एक्ट करता है पंप का, जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में. विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विथ इट. और अपने साथ ये कई दूसरे भी सब्सटेंस भी कैरी करता है. द हर्ट हैज फोर चैम्बर्स. हर्ट के चार चैम्बर्स होते हैं.
द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आट्रिया. उसके दो ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उनको आट्रिया कहते हैं एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. और जो दो लोअर नीचे के चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं. द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. जो पार्टीशन हुआ है चैम्बर्स में, मतलब दो चैम्बर्स को आट्रिया कहते हैं और दो को वेंट्रिकल्स, तो ये चैम्बर्स में जो पार्टीशन हुआ है ये इसलिए हुआ है ताकि जो ब्लड होते हैं रिच होते हैं ऑक्सीजन में और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होते हैं वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए ताकि वो अलग अलग रहें. ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड जो है पहले वो फ्लो होता है हार्ट से लंग को और फिर लंग से बैक होकर पंप होकर के वो सारे बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ये फंक्शन है हार्ट का. बाकी मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो आप वहाँ भी जाकर के समझ सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स. क्यों जरूरी है हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसको बाहर निकालना. आंसर, व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज. जब हमारे सेल्स परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन, अपना कार्य करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं उस कार्य के दौरान. दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ये टॉक्सिक होते हैं, हानिकारक होते हैं, जहरीले होते हैं हमारे लिए, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है. इसी वजह से हम एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है और हमारे शरीर से वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे एंड हो रहा है. इसके आगे मैं आपको न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी. प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.